Hello students, this is Shuchi, your biology teacher, and we were talking about the chapter Diversity in Living Organisms, जिसमें मैं आपको एनिमेलिया के बारे में बता रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जिसकी वजह से आपको ये पता रहे कि एनिमेलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप इसको याद कर लो। देखो ये बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक है, जस्ट बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता है कि किस फॉर्म में सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, या आप ये कह सकते हो किस फॉर्म में सारे फाइलम को रखा गया है। इधर का अगर उधर कर दोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये हम एवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डेवलप हुए और किस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले वो चीज़ें डेवलप हुई, जो कि अगर आप कैविटी की बात करो या ऑर्गन्स की बात करो, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में, ट्रिक के बारे में, जो कि सारे फाइलम उसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे एनिमेलिया के। तो आप यहाँ पे देखो, जो एनिमेलिया किंगडम होता है आपका, आप याद रखना पॉरी, सीलन, प्लैटी और नामी। पॉरी, सीलन, प्लैटी, नामी, इस तरीके से अगर आप याद रखोगे, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आगे जाके, क्योंकि सारे एवोल्यूशन के बेसिस पे आपको एनिमेलिया इसी फाइलम में मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या है, पॉरी। पॉरी का मतलब क्या हो गया, पॉरी फेरा, फिर सीलन, सीलन ट्रेटा, देन प्लैटी हेलमेंथीस, उसके बाद क्या है एन, यहां पे क्या होगा निमेटोडा, फिर एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, एंड यहां पे आपका कॉर्डेटा स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, तो आप केवल इतने याद रखो पॉरी, सीलन, प्लैटी, नामी। अगर आप इतना याद रखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आती जाएंगी। तो ये ट्रिक है याद रखने की कि किसके बाद क्या आना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही निमेटोडा, एनेलिडा के बारे में बताया हुआ है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट आप कह सकते हो फाइलम है एनिमेलिया का। अर्थ पे 80% जो एनिमल्स होते हैं, या आप इन शॉर्ट इंसेक्ट बोल दो क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स आते हैं सारे, वो किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो आप एक ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि आर्थ्रोपोडा में कितने 80% जो एनिमल्स हैं, या इंसेक्टा की क्लास में इसको रखा जाता है, तो 80% जो अर्थ पे आपको दिखेंगे मेंबर्स, वो किसके दिखेंगे, आर्थ्रोपोडा के दिखेंगे। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। आप इसको इस तरीके से समझो, अब आप कहीं भी जाते हो या किसी फील्ड में जाते हो तो आपको बहुत सारे ग्रास हॉपर दिखते हैं, या ग्रास हॉपर छोड़ो, आप देखो रात में या दिन में कहीं पे भी मच्छर कितने ज्यादा दिखते हैं, मॉस्क्यूटोस। तो ये जो ग्रास हॉपर है, ये जो मॉस्क्यूटोज है, या फ्लावर्स पे जो बीज बैठते हैं, बटरफ्लाइज बैठते हैं, ये सब किसके मेंबर होते हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होते हैं। और अब हम इसके मतलब की बात करते हैं। देखो आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है, इसी में इसकी मीनिंग छुपी है। मैंने आपको हमेशा बोला है किसी भी चीज का मतलब उसके नाम से निकाला करो। तो देखो आर्थ्रो और पोडा, जो ये आर्थरो वर्ड है, इसका मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थरो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो अपेंडेजेस होते हैं, या इसके आप कह सकते हो लेग होते हैं, वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। तो एक पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। सेकंड क्या है, ट्रिपलोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड। ट्रिपलोब्लास्टिक मैंने आपको पिछले कई लेक्चर में बताया है, मतलब कि जो इनकी बॉडी की लेयर होगी
उसमें तीन लेयर पाई जाएंगी, बाहर वाली जिसे हम कहेंगे एक्टोडर्म, अंदर की सबसे जिसे हम कहेंगे एंडोडर्म, और बीच वाली को क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। मतलब जब आप इसका सेक्शन कट करोगे तो आपको तीन लेयर दिखाई देंगी, और इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होगी। यहाँ पे मैंने एच टी ए लिखा है, इसका मतलब क्या है समझो, इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है वो होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। अब इसका मतलब क्या है, अब आपने बटरफ्लाई सबने बनाया होगा अपने आर्ट में, कॉम्पिटिशन में या कभी भी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह में। तो देखो बटरफ्लाई बनाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले ऐसे बनाओगे हेड, फिर क्या करोगे, ये क्या हो गया थोरैक्स, एंड देन उसके बाद ये क्या हो गया एब्डोमन। तो बहुत ही इजी है, इसकी जो बॉडी होगी वो किस में डिवाइड होगी, हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमन में। इट्स हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। अब ये जो देखो, ये जो इसका थोरैक्स है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब तीन कह सकते हो आप, ये बाहर का, मिडिल का और आउटर का, मतलब कि इनर वाला, मिडिल वाला और आउटर वाला। अब देखो इधर, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड है, तो इनकी बॉडी को आप क्या कर दोगे, सेगमेंटेड कर दोगे। और इनमें लेग कैसे हैं, जॉइंटेड है, यहीं से लेग अराइज होंगे, ये जो आप देख रहे हो यहीं से लेग अराइज होते हैं। जिसको ना समझ में आए वो कोई भी एक मच्छर पकड़ के देख लेना। तो इनके लेग कैसे होते हैं बेटा, जॉइंटेड होते हैं, मतलब कि बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनकी जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड आई इनमें पाई जाती है। इनमें कैसी आई पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है। और दूसरी चीज, आप यहां से जो इनका ये वाला पोर्शन होता है, यहां से आप इनके विंग्स अराइज कर दो, तो ये क्या बन गया आपका, कुछ भी समझ लो आप, क्या बन गया ये, ठीक है। वैसे तो ये मेंबर किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी डिवाइड है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में, और जो थोरैक्स है वहां से इसके जॉइंटेड लेग निकल रहे हैं। थ्री पेयर लेग होते हैं, आप याद रखना, टोटल सिक्स लेग होते हैं। कोई भी एक मच्छर पकड़ के देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनकी जो कैविटी है, सिलोमिक कैविटी, सिलो मतलब मैंने आपको बोला है कैविटी होती है, वो फिल्ड होती है ब्लड से। इसको मारो तो देखो क्या निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटन। काइटन इज अ काइंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यू कैन से एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब क्या है, वर्ड से मतलब समझो, एक्सो मतलब क्या हो गया, आउटर। आउटर जो आउटर स्केलेटन होता है बॉडी का, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। जैसे आप स्कॉर्पियंस में देखो या आप स्पाइडर्स में देखो उनकी बॉडी, या कॉकरोच ले लो, कॉकरोच के ऊपर देखो एक लेयर पाई जाती है एकदम हार्ड सी, शेल टाइप की कह सकते हो आप, तो वो क्या एक्सोस्केलेटन है। हम ह्यूमंस में क्या होता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, तो उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। एग्जाम्पल में बटरफ्लाई, मॉस्क्यूटो, स्कॉर्पियंस और भी कई सारे जितने भी आपको नाम पता है वो आप लिख डालना आर्थ्रोपोडा में। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा। अगर आपको रिवाइज करना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप याद रख सकते हो। किसके बाद क्या आता है, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। कैसे है ये, जॉइंटेड अपेंडिजेस है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी डिवाइड है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। आप यहाँ पे लिख लो एक और पॉइंट कि इनमें कैसी आई प्रेजेंट होती है, इनमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, सिलोमिक कैविटी होती है जो कि, अच्छा एक चीज और, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लेना कि इनमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी। अब इसका मतलब क्या होता है, कहोगे ये मैम ने क्या बता दिया। ओपन सर्कुलेटरी का मतलब होता है जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर से नहीं होता है, बाहर ही बाहर फ्लो होता है, समझ रहे, ओपन रहता है। वेसल्स, वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।